मणिकर्णिका के प्रोड्यूसर का हेल्थ अपडेट बताकर बोली कंगना, खबरों को सनसनीखेज न बनाएं। मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी, मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी के प्रमोशन में व्यस्त कंगना रनौत कंगना रनौत की फिल्म रिलीज से पहले ही विवादों में घिरी हुई है। जहां एक ओर फिल्म की स्टार कास्ट को लेकर चर्चा छड़ी हुई है, तो वहीं करणी सेना की ओर से भी धमकियां मिल रही हैं। इसी बीच खबर आई कि फिल्म के प्रोड्यूसर कमल जैन अस्पताल में भर्ती हैं। किन वजहों से उन्हें अस्पताल में भर्ती होना पड़ा, इसका खुलासा नहीं हुआ था, लेकिन अब कंगना ने हेल्थ अपडेट दी है। कंगना ने मीडिया में आ रही खबरों को गलत बताया। टाइम्स नाउ से बात करते हुए कंगना ने कहा कि प्रोड्यूसर कमल जैन की हालत ठीक है, गलत जानकारी शेयर की जा रही है। पिछले हफ्ते से उन्हें अपनी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, बस वो उसी का इलाज कराने के लिए अस्पताल में हैं। मैं लगातार उनसे संपर्क में हूँ। कंगना ने आगे कहा कि मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि इस तरह की सनसनीखेज खबरें ना फैलाएं। इससे पहले ऐसी खबरें आईं कि प्रोड्यूसर कमल जैन को पैरालिसिस का अटैक पड़ने के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। कमल जैन ने खुद ट्वीट कर अपने खराब स्वास्थ्य की जानकारी शेयर की थी। वहीं मणिकर्णिका की बात करें तो करणी सेना ने फिल्म की रिलीज का विरोध किया। करणी सेना के मुताबिक उन्हें रानी लक्ष्मीबाई के ब्रिटिश अफसर संग दिखाए गए रिश्तों पर आपत्ति है। उनका दावा है कि फिल्म में महारानी लक्ष्मीबाई को एक गाने पर डांस करते दिखाया गया है, जो देश की सभ्यता के खिलाफ है।